दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज भागने वाले इंसान उसेन बोल्ट, जिन्होंने ओलंपिक में 2004 से 2016 तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब उसेन बोल्ट का सामना दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जानवर से होगा? तो उसेन बोल्ट 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर चैंपियन है, जिन्होंने 100 मीटर की रेस में 9.58 सेकंड में रेस को पूरा किया था। इस हिसाब से उनकी स्पीड 44.72 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। वही अगर दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर की बात करें, यानी कि चीता की, तो चीता की टोटल स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जिसका वजन 70 किलोग्राम तक होता है। अगर इन दोनों की 100 मीटर की रेस लगाई जाए, रेस शुरू होते ही चीता 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगा और सिर्फ 3 सेकंड में इस रेस को पूरी कर लेगा। वही उसेन बोल्ट को 9.58 सेकंड लगेगे, वही चीता इतने समय में 3 बार रेस को जीत चुका होगा, जिस हिसाब से चीता उसेन बोल्ट को आसानी से हरा देगा।